और ये सदन लोकतंत्र की ताकत है, लोकतंत्र की ताकत की साक्षी है, जन विश्वास का एक केंद्र बिंदु रहा है। इस सदन की विशेषता देखिए और दुनिया के लोगों का आज भी आश्चर्य होता है, ये सदन है जिसमें कभी चार सांसद वाली पार्टी सत्ता में होती थी और 100 सदस्य वाली पार्टी विपक्ष में बैठती थी। ये भी सामर्थ्य इस सदन के लोकतंत्र की ताकत का परिचय कराता है। और यही सदन है जिसमें एक वोट से अटल जी की सरकार गई थी और लोकतंत्र की गरिमा को बढ़ाया था, ये भी इसी सदन में हुआ। आज अनेक छोटी छोटी रीजनल पार्टियों का प्रतिनिधित्व हमारे देश की विविधता को, हमारे देश के एस्पिरेशंस का एक प्रकार से वो आकर्षक केंद्र बिंदु बना है। आदरणीय अध्यक्ष जी, इस देश में दो प्रधानमंत्री ऐसे रहे, मोरारजी भाई बीपी सिंह, एक प्रकार से कांग्रेस में जीवन खपाया था लेकिन एंटी कांग्रेस गवर्नमेंट का नेतृत्व कर रहे थे, ये भी इसकी विशेषता थी। और हमारे नरसिम्हा राव जी, वो तो बिस्तर गोल करके घर जाने की तैयारी कर रहे थे, निवृत्ति की घोषणा कर चुके थे, लेकिन यही लोकतंत्र की ताकत देखिए, सदन की ताकत देखिए, वो प्रधानमंत्री के रूप में 5 साल हमारी सेवा कर। आदरणीय अजीत जी, सबकी सहमति से कठिन कार्य होते हुए हमने देखे हैं, 2000 की साल थी, अटल जी की सरकार थी, इसी सदन ने 3 राज्यों का गठन सर्वस्वीकृति से किया और बड़े उमंग उत्साह से किया। जब छत्तीसगढ़ की रचना हुई तो उत्सव छत्तीसगढ़ ने भी मनाया, उत्सव मध्य प्रदेश ने भी मनाया। जब उत्तराखंड की रचना हुई तो उत्सव उत्तराखंड ने भी मनाया, उत्सव उत्तर प्रदेश ने भी मनाया। जब झारखंड की रचना हुई तो उत्सव झारखंड ने भी मनाया, उत्सव बिहार ने भी बताया। ये हमारे सदन का सामर्थ्य, सब सहमति का वातावरण बना करके। लेकिन कुछ कड़वी यादें वो भी है कि तेलंगाना के हक को दबोचने के लिए भारी प्रयास हुए, खून की नदियां भी बही और बनने के बाद न तेलंगाना उत्सव मना पाया, न आंध्र उत्सव मना पाया, एक कटुता के बीज बो दिए गए। अच्छा होता उसी उमंग और उत्साह के साथ हम तेलंगाना का निर्माण करते तो एक नई ऊंचाई पर आज तेलंगाना पहुंच चुका होता। आदरणीय अध्यक्ष जी,